हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी शाम का टाइम है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और निश्चल भी अब ट्यूशन से आ गया है। अरे मैया, ब्लॉग बना रही है हाँ तो तू? अरे बना सकती। मैया क्या बात है! ओहो तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकती। क्या बात है सच्ची में! हेलो दोस्तों, कैसे हो? सच्ची में बहुत अच्छा ब्लॉग है सच्ची में। अच्छा ठीक है, मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ? अब पतला दिख रहा हूँ? ये है सालू का पहला ब्लॉग। पागल दिख रहे हो दोस्तों। अभी शाम का वक्त हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं चाय वाय बनाऊंगी अपने लिए और चाय पीने वाली क्या हूँ। बात है, आता अदरक वाली चाय बनने वाली है सच्ची में। आप मेरे को चुप क्यों ब्लॉग है? बनाने दोगे कि नहीं बनाने दोगे? अरे तुम ब्लॉग बनाओ कसम से, सच्ची में सालू का पहला ब्लॉग है आज। कहां से बनाओ, बीच में आ जाते हो बार बार। क्यों हम नहीं बोल सकते ब्लॉग में? है नाराज हो गई? चल ठीक है, बना ले ब्लॉग। तो निश्चल तो ट्यूशन से आने के बाद सीधा नीचे चला गया पार्क में खेलने के लिए। तो खेल के आएगा तभी आके बैठेगा। ट्यूशन से उसका एक ही काम है, ट्यूशन से आना, बैग पटकना और सीधा खेलने के लिए पहुंचना। मैं सोची थी चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, पर ये गर्मी देखो, गर्मी देख के ना मन नहीं कर रहा चाय बनाने का। इतनी धूप आ रही है कि हम चाय। बना देते हैं चाय कसम से सच्ची में। अरे आपको क्या परेशानी, क्यों नहीं बनाने दे रहे मेरे को अरे ब्लॉग? ब्लॉग बनाओ, आज हम चाय बना रहे हैं सच्ची में। तुम्हारा पहला ब्लॉग है ना, तो आज बनाएंगे हम अदरक वाली चाय। ये ब्लॉग मेरा कम आपका ज्यादा लग रहा है, हर चीज में बीच में आके घुस जा रहे हो आप। हद है यार, ये कौन सी बात होती है, हम ब्लॉग में नहीं आ सकते? आप क्यों आ रहे मेरे ब्लॉग में? मेरे ब्लॉग में मत आओ। क्यों? नहीं जब हम ब्लॉग बनाते हैं तब तुम भी तो आते हो ब्लॉग में। आज तो मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, आज तो रोटी बना रही हूँ कसम से। ये देखो निश्चल आ गया खेल के पार्क से। निश्चल तो आज बड़ा ज्यादा खुश हो रहा है कसम से। आज इसके लिए इसकी मम्मी ने आइसक्रीम रखी है। निश्चल देखो, पता है मम्मी ब्लॉग बना रही है, ब्लॉग आप बनाने दोगे तो पता तो बना ले। हम तो यही बोल रहे हैं, मम्मी ब्लॉग बना रही है। आपको बनाने की लग रही है, ये लग रहा है कि ये क्यों बना रही है, मैं क्यों नहीं बना रहा ब्लॉग, है ना? ठीक है तू ही बना ब्लॉग। अब तो चुप रहो, अच्छी बनाती है ब्लॉग कसम से। आप बोलने कहाँ दे रहे हो? ठीक है बोलो, ये पार्क से आ गया है और अब आइसक्रीम खाएगा। सब कुछ तो आप ही बोलते, तब मैं बोलूँ क्या? नहीं ये नहीं खाए, मैं अपने लिए लेके आई थी, तेरे लिए लेके आई थी। मुझे बोलती जा कुछ खुले पहले आ रहे, बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, वो चॉकलेट आ रही मजा। चॉकलेट वाली आइसक्रीम जो हम लेने के लिए गए थे ना, तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम मैंने खुद खाई और इसके लिए लेके आया वैनिला आइसक्रीम। मैं जा रहा हूँ, मेरे को बोल रही है मैं चाय बना रही हूँ और आप कैमरा पकड़ लो, मैं बताऊंगी चाय कैसे बनती है। हैं ब्लॉग बनाएगी? अब बता, इसमें अदरक वाली चाय बन रही है, इसमें चीनी थोड़ा ज्यादा है, ये भी तो बता दे। तो मीठी चाय बनाती है, नाराज हो गई? बनाने दोगे आप? ठीक है बना लो चाय। तो दोस्तों अभी तो मेरी चाय बन रही है, क्योंकि मैं चाय मेरी चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं चाय को काफ़ी देर उबालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क चाय पसंद है। और निश्चल के पापा मुझे बोल रहे हैं मीठा बहुत पीती है, और मैं बल्कि मीठा बहुत कम पीती हूँ। मुझे कड़क चाय पसंद है पर मीठा कम पसंद है, और खुद ज़्यादा मीठा पीते हैं। भले पियेंगे एक बार पर उसी में सारी कसर पूरी कर लेते हैं दिन भर की, एक बार मीठा पी के। और मुझे बोल रहा है जल्दी चाय लेके आ, जल्दी चाय लेके आ। मैंने बोला चुपचाप बैठो, चाय मिलेगी 15-20 मिनट बाद ही, उबलने दो, नहीं तो पानी उबाल के पी लो, साफ बात। तो बोल रहे नहीं 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 पानी नहीं चाहिए, भले ही तू तेरे जैसी चाय पीऊँगा पर मेरी में थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा डालो। अभी बैठे हैं उस कमरे में चुपचाप, अभी अपने कुछ काम कर रहे हैं अपना बैठ के। तो बोल रहे मेरे लिए चाय लेके आ, मैं बैठा हुआ हूँ। निश्चल ही वहीं पे बैठ गया अब जाके। अच्छा ये तो बताओ चाय कैसी बनी है? बड़ी अच्छी चाय बनी है सच्ची में, बड़ी प्यारी चाय कसम से। अब तो पूछेगी क्योंकि ब्लॉग बना रही है, पहले पूछती थी जानो चाय अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। जो भी चाय बनी है पी लो, भले ही मीठा ना हो चाय में, लेकिन अच्छी चाय बनी है। आज तो बढ़िया चाय बना के देगी कसम से। और वैसे मैं बेकार चाय बनाती हूँ आपके लिए, है ना? सच्ची में ऐसा लगता है ना, पानी उबाल के और उसमें बस चाय पत्ती और कुछ भी नहीं। अच्छा ये तो बताओ मेरी हेयर स्टाइल कैसी दिख रही है? आपने कुछ बोला नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले कलर किया था तब भी कुछ नहीं बताए थे।
अच्छी दिख रही है तू सच्ची में। बिल्कुल जब कॉलेज में आती थी बिल्कुल कोमल की तरह दिख रही है। और कैसी दिखेगी इस हेयर स्टाइल में? कौन कोमल और मैं क्यों दिखूंगी किसी की तरह? क्यों कोमल भी तो ऐसी बाल की हेयर स्टाइल लगती थी। कौन कोमल? अरे तेरी दोस्त जो कॉलेज की दोस्त। मैं भी रहूंगी किसी की तरह। क्यों तेरी दोस्त नहीं कोमल? भूल गई अपनी कोमल को? आपको बड़ी याद है तभी तो याद दिला रहे कोमल को। बोलती थी आज तो कॉलेज में ना कोमल नहीं आई कसम से कहाँ रह गई। फिर फोन करती थी कोमल तो कहाँ पे है? अच्छा अच्छा आ रही है कॉलेज कहाँ पे है? अब याद दिला रहा तो बोल रही है मेरे को बोल रही है। मैं तो जा रही हूँ थोड़ा मेकअप करने के लिए थोड़ा आप ब्लॉग बना लो। मैंने बोला मेकअप बाद में कर लियो पहले ब्लॉग बना ले। तो बोली नहीं आप बनाओ आप अच्छा बनाते हो ब्लॉग। पता चल गई अच्छा बना लिया ब्लॉग तो बना ले। दे नहीं रहे हो ब्लॉग तो खुद ही बनाओ अपने आप ब्लॉग। चल ठीक है तू बना ले ब्लॉग फिर। नहीं मैं नहीं बना। अबे तू मेकअप करने जाएगी शीशे के सामने चार घंटे खड़े होके फिर बोलेगी कैसी दिख रही हूँ मैं कैसी दिख रही हूँ मेरी हेयर स्टाइल कैसी दिख रही है। चार घंटे में तेरे मेकअप होते हैं। अब नहीं होते तेरे चार घंटे में मेकअप? कब मैंने चार घंटे में मेकअप किया है? चार घंटे में तो नॉर्मल करती है। मैं खुद खड़े रहते तो शीशे क्या कहता था। तू शादी में जाती है ना किसी की शादी में या किसी पार्टी में घूमने के लिए तब तो छह घंटे चाहिए मेकअप के लिए। झूठ बोल रहे आपको अंतर नहीं दिखता? मेकअप कर रही है तू ठीक है झूठ तो बोल मत। हाँ कर रही तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है सुंदर दिख रही है कसम से सच्ची में बिल्कुल कोमल की तरह। अब डिनर का टाइम हो गया है मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी पूछूंगी निश्चल के पापा को क्या बनाना है। पर निश्चल बोल रहा है कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं तो सोच रही थी कि चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। अब हमारा तो गर्मी में आलू का पराठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सर्दी में अच्छा लगता है खाने में पर गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर निश्चल तो बच्चे हैं बच्चे तो खाते रहते पूरे दिन भर कुछ ना कुछ तो उसको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे तो वैसे हम तीनों को ही लगते हैं पर मैं निश्चल के पापा हम दोनों गर्मी में नहीं खाते हम सर्दी में खा भी लेते हैं। पर निश्चल खाता है वो साल के 365 दिन में कभी भी खा लेते हैं इसलिए सर्दी गर्मी बारिश कोई मतलब नहीं है। बच्चे हैं बच्चे पूरे दिन भर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके लिए मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ और अपने लिए और निश्चल के पापा के लिए कोई और सब्जी बनाऊंगी। अभी पूछती हूँ उनसे जाके कि उनको क्या खाना है। वैसे ही बहुत नखरे करते ये नहीं खाना वो नहीं खाना एक नंबर के ड्रामेबाज है। तो अभी जाऊंगी पहले उनसे पूछूंगी कि क्या खाना है तब बनाऊंगी। पर दोस्तों आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक ले बाय।